हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपको माइलस्टोन के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ कि माइलस्टोन जो हमारे सड़कों पर होते हैं वो किस किस कलर के होते हैं और वो क्यों रखे जाते हैं। तो जैसे हम के देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास हैं कुछ येलो कलर के, जैसे कि हमारे पास ये येलो कलर का माइलस्टोन है और ग्रीन कलर का माइलस्टोन है, या ब्लू या फिर ब्लैक, कोई भी कलर का माइलस्टोन हो सकता है, या तो ब्लैक हो सकता है या ब्लू हो सकता है, और यहाँ पर ऑरेंज और वाइट स्ट्रिप में होता है। तो इन सब में कॉमन तो है हमारे लिए वाइट स्ट्रिप का होना, और ऊपर टॉप में होता है किसी में येलो, किसी में ग्रीन, किसी में ब्लू या फिर ब्लैक, और किसी में होता है हमारा ऑरेंज कलर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये पता होना चाहिए कि जब भी हम रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो इन स्टोन का यूज़ क्या होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपने सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे कि अगर येलो स्टोन है तो हमें ये पता चल जाता है येलो स्टोन और वाइट स्ट्रिप वाले स्टोन से कि वो नेशनल हाईवे है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये एक नेशनल को दूसरे नेशन से जोड़ता है। ठीक है, अब हम उसके बाद शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बता रहा हूँ, फिर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास अब ग्रीन कलर का स्टोन है, ऊपर टॉप में ग्रीन कलर की स्ट्रिप होगी और नीचे व्हाइट कलर की स्ट्रिप होगी, तो वो होते हैं स्टेट हाईवे के लिए। स्टेट हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे एक स्टेट दूसरे स्टेट को जोड़ता है। उसी तरीके से होते हैं ब्लू कलर में या फिर ब्लैक कलर में, वो स्टोन क्या होते हैं, उन रोड पर रखे जाते हैं जो रोड एक सिटी को या एक डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, तो जैसे यहाँ दे रखा है ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर भी क्या होता है, ऑरेंज कलर उन जगह पर, ऑरेंज कलर के स्टोन जो है उन जगह पर रखे जाते हैं जहाँ पर हमारे रूरल रोड होती हैं। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट येलो कलर वाले से। तो मैंने यहाँ पर पे किसी को अगर नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप यहाँ से इन स्टोन के ऊपर आप नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक येलो कलर के स्टोन को लिया है, येलो और वाइट कलर के, जैसे कि यहाँ पर लिखा है शिमला। तो शिमला जो है एक बॉर्डर का एरिया है और वहाँ पर एक नेशनल हाईवे जा रहा है जो कि हमारे जैसे कि चाइना को या फिर नेपाल को, इन कंट्री में जाने वाली रोड को आपस में जोड़ता है। तो ये इन रोड का जो मेंटेनेंस होता है, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारा मेंटेन करके रखती है कि रोड को कब इनको रिपेयर करना है, कब इन पे क्या किस चीज़ के लिए खर्चा होगा। तो ये हमारे येलो नेशनल हाईवेज पर लगाए जाते हैं येलो कलर के स्टोन। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो ग्रीन कलर के स्टोन होते हैं। अब ग्रीन कलर के स्टोन जो होते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम ये देखते हैं कि यहाँ इस रोड पर ग्रीन कलर का स्टोन रखा हुआ है, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये रोड जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ रहा है। और इसमें क्या होता है कि इन रोड का खर्चा जो होता है बनाने का से लेकर के मेंटेनेंस तक का जो खर्चा होता है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बेयर करती है। जैसे आप मान लेते हैं हम यूपी गवर्नमेंट जो है, यूपी गवर्नमेंट की कोई रोड है वो दिल्ली तक जाती है, तो वहाँ यूपी के बॉर्डर से लेकर के और दिल्ली के बॉर्डर तक जितना भी खर्चा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूपी वाले ही दे गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा। अब उसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास में ब्लू या फिर ब्लैक कलर के स्टोन जो होते हैं, ब्लू या ब्लैक कलर के स्टोन जो होते हैं, मैं एक बार पहले भी आपको शॉर्ट में बता रखा है तो मैंने कि यहाँ जो एक जैसे यूपी के अंदर कोई हमारा एक बड़ी सिटी होती है, अब बड़ी सिटी या फिर कोई यूपी का कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाली जो सड़क होती है उन सड़कों पर हमारे ये स्टोन रखे हुए मिलते हैं। जैसे कि ब्लू या ब्लैक कलर मैंने कॉर्नर में आपको यहाँ पर दिखाया हुआ अभी है, इस तरीके से अब यहाँ पर देख भी रखा हूँ, देख रहे होंगे इस फोटो में मैंने दिखा रखा है, ये देखो ये दिखा रखा है मैंने यहाँ पर, ये भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके बाद हम इसके बाद देखते हैं कि ऑरेंज कलर के जो स्टोन होते हैं, ऑरेंज कलर के स्टोन जो होते हैं उन रोड्स पर रखे जाते हैं जो हमारे गांव देहात की सड़कें होती हैं। वहाँ पर हम इन ऑरेंज कलर के और वाइट कलर के स्टोन को पेंट करके लगा दिया जाता है, जिससे हमें ये एक ये पता चल जाता है कि अब हम जो हैं ग्रामीण रोड पर या ग्रामीण सड़कों पर
विजिट कर रहे हैं। और ये पत्थर इसलिए भी लगाए जाते हैं, माइलस्टोन इसलिए भी लगाए जाते हैं, जो हमारी पहले से ये योजनाएं चलती आ रही हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उन सड़कों को बताने के लिए कि हाँ ये सड़क जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है। तो हम उसको बताने के लिए भी हम इन माइलस्टोन का यूज़ कर लेते हैं और वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिए, और आपको किस किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।